वर्मा। माय लॉर्ड, फर्स्ट वेल एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 439 माय लॉर्ड, ऑफेंस अंडर सेक्शन 380 क्या क्या 390 चुरा लिया आपने? सर, इसमें अननोन के खिलाफ FIR है। जे ट्रेन में सफर करते समय लूट का आरोप है सर। लूट का आरोप है? अच्छा, माय लॉर्ड आपसे क्या जब्त हुआ? सर, जो मेरे से जब्ती बताई गई है सर, एक जोड़ी चौरी जैसी सफेद धातु की कड़ी पायल, एक सोने जैसी पीली धातु का मंगलसूत्र, एक चौरी जैसी सफेद धातु की चैन, एक पीली धातु की अंगूठी, एक छोटा छिद्रदार पर्स चैन लगा। सर, इसमें जो डेट ऑफ इंसिडेंट, अच्छी बात है। आपका कोई टीआईपी हुआ है क्या? जी सर, जो टीआरपी हुई है, जो बिकटी में सर, वो जो उसके साथ लड़का गया था, उसकी टीआई उनसे टीआईपी करवाई गई है। जो आर्टिकल सर जब्त हुआ है, वो भी लड़के के द्वारा आर्टिकल। अरे, आपको पहचाना गया कि नहीं? तो हाँ सर, वो उसने तो हाथ रख के पहचाना है। फिर आप तो लूट में तो फिर आप थे। सर, पर हम तो 16 तारीख को सर अरेस्ट हो जाते हैं सर। 30/9/2023 को सर जो हमारा आइडेंटिफिकेशन होता है। और सर इसमें एक चीज ये भी मैन है कि जब हमसे 16 तारीख को पूरा सामान सीज हो जाता है, सामान की सर जो जब्ती सिनास्ती करवाई जाती है सर, वो 10/8/2023 सर, दो दो महीने बाद आर्टिकल की वो सिनास्ती करवाई जाती है, वो भी जिनका सामान है उनसे नहीं कराई जाती सर। सर अच्छी बात जो लड़का है उसके थ्रू वो आइडेंटिफिकेशन करवाया जाता है सर। अच्छी बात है। और कुछ चालान सर? केस हो गया सर, 3 महीने से ज़्यादा सर कस्टडी में है सर। 16/9/2023 से सर जेल में है सर। 16/9/23 से हैं। माय लॉर्ड, आपके जो आइडेंटिफिकेशन की डेट्स बता रहे हैं वो तो कुछ गड़बड़ हो रहा है। 30 लोगों का आपका आइडेंटिफिकेशन हुआ है, माय लॉर्ड तो फिर 14 दिन के अंदर तो आइडेंटिफिकेशन हो गया, कहाँ दे रही है उसमें? अरे, सर, जो आर्टिकल की आर्टिकल से अगर आपसे जब्त ना भी होते, फिर भी अगर आपका इन्वॉल्वमेंट पाया जाता, इज इट नॉट सफिशियंट? नंबर पर 1, जो आपका ये कहना है कि आर्टिकल सीज कंडीशन में नहीं रखे गए थे, थाने बुला के दिखाए गए थे, सब कुछ किया गया था, ऐसा है क्या आपका कहना है? माय लॉर्ड, अब वो कहाँ से जितनी माई लॉट क्या कर लेंगे उसमें भैया? जब तक आपने तो ये तो कुछ बेसिस बताया नहीं। सर उसमें जो आर्टिकल हमसे सीज हुआ है, उसकी जो शिनास्ती है सर, वो विक्टिम के द्वारा नहीं किया गया। समझ चुका हूँ यार, जिसने शिनाख्त किया वो विक्टिम का कौन है? विक्टिम के सर नाती है सर। कोई कोई राह चलता आदमी थोड़े है कि बाईपासर थोड़े है, तो अभी नानी का या दादी का जो भी है, नानी का वो जेवर नहीं पहन सकता? वो मेरी नानी पहनती थी ये। सर मेरे ग्राम 4/9/0/29/2020। और हिस्ट्री का क्या है? माय लॉर्ड, एक्चुअली रेल में इनने और उसकी नानी को चाय पिला दी, उसमें कुछ ऐसा था कि वो अरे, बिल्कुल। केस हिस्ट्री हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री में तो सर ये सिमिलर केस 3 है इनके पास, और 2 केसों में ही हैज बीन कन्विक्टेड माय लॉर्ड। अरे, फिर 5 हो जाएगा। वो गाजियाबाद के हैं 5 5 वर्ष की सजा है इन लोगों की। सर, ये जो केस क्यों? बता रहे हैं सर, 2011 के हैं सर। हाँ, तो उसके बाद भी नहीं सुधरे, ऐसा कहना चाहते हो? सर 2010 साल बाद रिकॉर्ड 10 साल बाद पकड़? अब भाई, सरकारी वकील साहब का ये सोचना हो सकता है, मुझे नहीं मालूम कि वाकई ऐसा सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे हैं। जैसे जैसे अनुभव बढ़ता गया, वैसे वैसे आप भी शातिर होते चले गए, तो बड़े मुश्किल से पकड़ में आए। तो 5 2 बार आपकी सजा हो चुकी है, उसके बावजूद भी आपको पहचाने जा रहे हो, आप नहीं सुधर रहे तो क्या करेंगे? 4/9/0/29/2020 सर, माय लॉर्ड, जी। जो कर लेता हूँ सर। And we know the fact that not only the applicant was identified, but articles is from his possession, from his possession were also identified, and coupled with the fact that applicant has a criminal history, and in 2 cases he has been sentenced to undergo 5 years rigorous imprisonment, comma the concept for applicant seeks permission of this court to withdraw this application. It is accordingly dismissed as withdrawn. 69.